स्पेशल क्या आपका? एक्सीलेटर है उसके साथ एक इनकमिंग हम लगाते हैं और उसके डिफरेंट आउटकम्स होते हैं, जैसे ग्रिड स्टेबल कोई जनरेटर है और दो इनकमिंग है तो उसके आउटकम एक ही होंगे। हाँ यस यस सर, जो असल पूछना ये चाह रहे हैं, एक मिनट ये देखे ना आपका, आप ये पूछना चाह रहे, इधर तो नजर ही नहीं आ रही, वो उधर है उस साइड पे। कभी भी इनकमिंग के अंदर आउटकमिंग नहीं लग सकती, नहीं लग सकती ना, ये देखो ये चेंज ओवर स्विच है जैसे ब्रेकर बोलते हैं हम। हाँ बेटा ये एक साइड है जनरेटर, एक साइड है वाकडा, ये दोनों इनकमिंग है। जब जनरेटर हमने स्टार्ट करेंगे ये वाकडा बंद हो जाएगा, ये ट्रॉली को इसको ऑफ करेंगे ये हम बंद नहीं कर सकते, यहाँ ये पुश करेंगे ऑफ हो जाएगी, पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ हो जाएगी, फिर जनरेटर को फिर वो पावर डालेंगे इसकी, इसकी लादा लादा चलेगा, सोर्स एक ही इस्तेमाल हो रहा है। एक यूनिवर्सिटी आउटकमिंग है या मतलब आउटकमिंग के पैनल्स होते हैं ना? जी जी आउटगोइंग है, आउटकमिंग नहीं, फिर इनकमिंग और आउटगोइंग है। ये इनकमिंग है, ये वापडा आ रही है मेन इधर और इधर आ रही है उन जनरेटर्स की, ठीक हो गया। वहाँ पे एचएमसी के अंदर ग्रिड स्टेशन है, वहाँ से एक लाइन है जो हमारा फीडर अपना एक है, उसके साथ कोई चीज टच नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी 11 के भी की डायरेक्ट आ रही है, 11 के भी यहाँ डायरेक्ट आ रहा है। आओ बाहर करना, ये कंफर्म करना है, अभी इसको क्लैरिफाई करते हैं ये चीजें। ये देखो बेटा वहाँ से 11 केवी आ रही है, वो देखा है वहाँ से वो केबल डाली हुई नजर आ रही है ब्लैक में, वहाँ से सीधी आ रही है, यहाँ से हमने इसका कर दिया पैनल में डायरेक्ट, ठीक है ना, पैनल में चलेगी, पैनल में चलेगी, आगे चलेगी, वहाँ से निकली ना इधर से सीधी वो जा रही है, पैनल से हो गया फिर वहाँ चलेगी, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर जब जनरेटर चलाएंगे हमने वापडा को बंद कर देना, ऑफ कर देना, ठीक है, उसको एक छोटी से हमने कंटीन लगा दी, अभी अब मैं चेक कराऊंगा अभी जाकर, तो फिर हमने जनरेटर स्टार्ट करना है, ये सिर्फ ट्रांसफार्मर में जनरेटर के लिए 11 केवी करने के लिए। वो बात ठीक है सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि इनकमिंग के एक आउटकमिंग पैनल भी होता है जिससे हम यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करते हैं, तो वो पैनल ये यूनिवर्सिटी यहीं से कंट्रोल होगी, ये हमारे पास चेंज ओवर स्विच है जो आपका वो बड़ा है वो आपको वो हमारे से ऊपर, हमारे पास सिर्फ एक फीडर आ रहा है, वहाँ पे तो 25-30 फीटर निकालते हैं। नहीं अभी मैं समझाता हूँ, ये केबल आ गई इनकमिंग वहाँ आ गई, वहाँ से वो उन्होंने ट्रॉली रखी हुई है, वहाँ से इनकमिंग आने के बाद वहाँ से आउटगोइंग चलेगी वापस, जाहिर है एक जो इन आ रही है बस है, तो दोनों लद है, खोखा एक बना हुआ है, खोखा एक तरफ इन आ रही है, वो ट्रॉली साल लगाते हैं वहाँ से आउटगोइंग, सीटियां बीटियां लगी हैं जो कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है ना, ये आगे से हम स्विच ऑन करेंगे हट जाएंगे, ऑन ऑफ करेंगे तो हट जाएंगे, ऑन करेंगे लग जाएंगे सिस्टम, जैसे ब्रेकर वाला ऑन ऑफ करने वाला, एक पॉइंट पे इनकमिंग होगा, जैसे ये ट्रॉली साल लगाएंगे उधर से आउट गोइंग, वो नीचे से केबल आ रही है और आगे उधर चली जाएंगी, ठीक है, और ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, यही था बस, आप कह रही थी एक इनकमिंग और दो आउट गोइंग, वो उस तरह का यही था, उन्होंने बताया ना कि एक वापडा से आ रही है और एक जनरेटर की है, तो वो दोनों अलग अलग, ठीक है, अलग अलग वो इसलिए यूज करेंगे जब इन केस हमारे पास वापडा का मतलब यहाँ पे लाइट नहीं है तो हम जनरेटर वाली इनकमिंग यूज करेंगे, वो करेंगे हम, और आउटगोइंग तो एक ही होगी ना, अब देखे ना वो वापडा जो 11 की भी अभी डायरेक्ट जाना वो पोल पे चलेगी, क्योंकि वो 11 ही है, वहाँ से एक ही निकलेगी, हाँ वो जा रही है वापडा की, और जो जनरेटर वाली है वो ट्रांसफार्मर से हो गए वो भी उधर ही जाएगी, सर वहाँ से ट्रांसफार्मर के बाद शायद किधर जा रही है, ट्रांसफार्मर के बाद अंदर आ रही है, फिर दोबारा अंदर आ रही है, ठीक है, अंदर आके फिर उस लाइन पे, फिर उस लाइन में, हाँ वो लाइन एक ही है वापडा की, जो जहाँ चेंज ओवर हमने अंदर देखा है ना 11 के भी आएगी और उस लाइन के साथ टच हो जाएगी अंदर चलेगी, अब जनरेटर जब चलेगा जनरेटर ट्रांसफार्मर जाएगा स्टेप अप करके 11 के भी, फिर उधर ही आ रही है जनरेटर का जो अंदर था इन लाइन, उसके बाद इनकमिंग के बाद जब वो ट्रॉली चेंज करेंगे तो उसकी वहां से आउटगोइंग होगी और उस लाइन के साथ वो पोल के साथ लग जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन क्या था और आंसर भी बताओ, चलो शामिल, लोकेशन इसके लिए यहां पे क्यों सेट किया हुआ है, लोकेशन इधर क्यों की है, एक तो साइड पे है, देखे शोर वगैरह नहीं होगा, देखे सारी बिल्डिंग से दूर रखी है साइड पे, दूसरा क्या हो सकता है इसका, आपका क्या आंसर है इसका, सर स्टूडेंट से दूर रखेंगे ना, मतलब कोई पंगा भी है लेकिन शोर बहुत होता है असल में इसका डीजल का, तो साइड पे रखा है अभी भी इस कमरा बंद कमरे में, आपका क्या था आंसर, सर यही ठीक है बेस्ट है जाना, ये इस वक्त इधर खोल देते हैं जब कोई फौत हो जाए तो इधर बाहर कब्रिस्तान है यूनिवर्सिटी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं हमारे, तो हमने उधर ही जाना है, तो वहाँ जो है
नहीं जरूरी नहीं है, कई जो है ना अपने जो उनके रिलेटिव भाई होते हैं तो वो डेड बॉडी उधर ले जाते हैं। ये खुला होता है जब वो मोटरसाइकिल जा रहे थे ना, कोई जनाजा होता है खोल देते हैं, हो सकता है जनाजा भी शायद इधर से जाता है, ये करीब हो जाता नहीं या बाहर वाले उधर से भी आ जाते। यहाँ वो एक गेट होता था हमारा, वो बंद हो गया बिल्कुल परमानेंट, वो जो कॉर्नर पे गेट था। तो ये कब्रिस्तान है, इसके पीछे कब्रिस्तान है हमारी यूनिवर्सिटी का, ये इन्होंने खरीदा हुआ है, इधर और नहीं दफनाते, मिसाल तौर पर रैवर कॉलोनी वाले हैं, हर बंदा अपना आजकल तो कब्र भी नहीं मिलती, तो हर बंदा जो है ना गरीब बंदा, तो वो एक कब्रिस्तान जो है ना वो उसमें उसको पर किसी की वो सिफारिश पे ये चक्कर भी, वरना हर हर घर से वो पैसे लेते हैं यार, इतने पैसे दो जगह खरीद रहे हैं, तो वो जगह खरीदते हैं फिर वो उस उसमें फिर आपके वो हो सकते हैं। नहीं बाहर चार दीवारी नहीं है, बाहर एक नहर जा रही है अभी, पानी वाली नहर है, और उसके साथ आगे जो है ना वो एक ये टाउन भी बना हुआ है, ये देख रहे नजर आ रहा है आपको ये घर, ये वो टाउन है पूरा, ये इसको क्या कहते हैं सेटेलाइट टाउन, टेक्सला गार्डन टाउन या इस तरह का नाम है कोई इस तरह, तो इसमें पूरा उन्होंने सोसाइटी बनाई हुई है, इधर लोगों ने घर भी लिए हुए इधर प्लॉट, तो कुछ प्राइवेट भी है, कुछ मतलब सोसाइटी सारे है प्राइवेट ही सारा, तो साथ जो है ना ये कब्रिस्तान है, एक उनका भी है एक हमारा भी इधर यूनिवर्सिटी में, सारे हमारे कुछ मैकेनिकल के वो डीन भी इधर ही, बाकी भी सारे कई फौत इधर ही, मतलब ये साथ है हमारा बिल्कुल, पढ़ो या ना पढ़ो जाना तो उत्थे है कब्रिस्तान ये रूम किसके है, ठेकेदार का स्टोर है ये, ठीक है अच्छा बाकियों का नहीं, बस ये बन गया इलाके इनकी, ये असल बीच में से रोड नहर बनी, नहर वो थोड़ा सा हमारा 25 किनाले बाहर चली गई, वो किसी खाते में नहीं आ रही थी, उन्होंने बोला कब्रिस्तान। अच्छा ये चक्कर हुआ है, दीवार के साथ नहर जा रही है, 16 कनाल का नहीं होता है, कितने कनाल का, 8 कनाल का होता है ना, एक 8 कनाल का एक होता है, 2500 8 24 3 एकड़ बनती है, जगह खुली है ना कब्रिस्तान वाली, ये तकरीबन होगी 1000 कनाल की होगी, 700 कनाल के 1000 कनाल ऐसे।